क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन, वो भूले बीते दिन। Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. पता नहीं वो दो साल पहले की मुलाकात को मैं भूल क्यों नहीं पाता हूँ। वो अजीब सी शाम, वो आदमी जिसने दुनिया को त्याग दिया था और उसके कहने पर जंगल में एक भयंकर से अनजान व्यक्ति के पास मैंने पूरी रात बिता दी। उसकी वासना की कहानी मैं कैसे लिखूं? मैं तो बच्चों में लोकप्रिय हूं, चिल्ड्रंस ऑथर। यह कहानी तो एक सचेत करने वाली वार्तालाप थी, लेकिन शायद इस कहानी को जब तक मैं लिख नहीं डालूंगा, उस आदमी की विचित्र छवि, मेरे मन की बात जानने की जादुई क्षमता और परिवार संसार के प्रति ऐसी पूर्ण अवहेलना, ये कहीं अनकही रहेगी। क्या वो बेवकूफ था या कोई हिप्पी, बहादुर या कायर, कलंकित क्रिमिनल या मस्त कलंदर? मेरे प्यारे पाठकों, आज आप ही जानिए उस प्रेम पुजारी की कहानी जो प्यासा भटक रहा है जंगलों में। The Essentialist. I see now it has become part of the Rusty saga, and it's really the story of two journeys and two narrators, because it is told by the author, and he describes a journey into the mountains, starting in the plains and gradually going into a very remote region, which is really not identified in the story, and which is partly imaginative and partly real. And it's in the course of his journey, he meets this hermit or recluse in his cave in the mountains, and in the course of getting to know him, the hermit tells the author his story. So that's the second narrator, and it's really then the story of his journey through a life of dissipation, more or less. Mm-hmm.
Well, The Sensualist was likely written by me back in the 1970s and describes perhaps a slightly earlier period, you might say the 60s. But people don't change, mountains don't change, and therefore I think there's still a certain relevance in the tale as it is expounded today. आइए आइए, आप ही का इंतजार था। जी मैं वो रास्ता भटक गया हूँ, तो यही तो मैं चाहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे मनुष्य के साथ की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने अपनी इच्छाओं के जाल को दूर दूर तक फैला दिया ताकि उस मोड़ पर आने वाले पहले राहगीर को मैं उलझन में डाल सकूं। हाँ जी, मैं काफी उलझन में पड़ गया, एकदम भटक गया, पर अब तो आप मुझे सही रास्ता बता देंगे ना। देखो, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और तुम यहाँ बैठकर आराम नहीं करना चाहोगे? घबराओ मत, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और अपने दिमाग से ये सोच भी निकाल दो कि मैं पागल हूँ। जी, इन हालात में मैं अकेला भी नहीं, मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज दी कि मैं तुमसे बात करूँ, सो कर रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। आओ बैठो। मैं जूते पहन के आ जाऊं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने सारे सांसारिक सुख त्याग दिए हैं। एक्चुअली मैं आप जैसे लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की इंद्रियां आपके बस में होती हैं। ऐसा कुछ करना शायद मेरे बस की बात नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा है। लगता है कि तुमने अभी संसार का भोग विलास पूरी तरह से किया ही नहीं है। तो आपने क्या कर लिया? हाँ, लेकिन और भी बातें हैं। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया था, और यहाँ पे फिर इस फ्रूट वगैरह के अलावा मिलेगा भी क्या? मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई दैव्य शक्ति है। सच तो यह है कि अब मैं अपने शरीर को बहुत थोड़े समय तक ही जीवित रखना चाहता हूं। वो भूले बीते दिन। सच तो यह है कि अब मैं अपने शरीर को बहुत थोड़े समय तक ही जीवित रखना चाहता हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसी में काम चल जाता है। पहले जैसी भूख अब लगती भी नहीं है, और मेरे हिसाब से ये सब हालात पर भी निर्भर करता है। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, बहुत अच्छी शिक्षा हुई है मेरी, बहुत किताबें भी पढ़ी हैं मैंने, बल्कि किताबों से तो मुझे इतना लगाव था कि सबसे पहले मैंने उन्हें ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। पर क्यों, जिस चीज़ से आपको लगाव था उसे आपने अपनी ज़िंदगी से निकाला क्यों? जब संसार ही त्याग दिया तो किसी भी चीज़ से मोह माया क्यों? तन मन धन विद्या सबकी राहें छोड़ दी मैंने पूरे तरीके से। जब मैं संसार की खुशियां लूट रहा था तो वो भी पूर्ण कादिर से। खुद को सुख में डुबो दिया मैंने, लिया छीना फिर ऐसे छोड़ा जैसे सांप अपनी केचुली।
कभी कुछ पछतावा नहीं होता? हर तरह से पछतावा होता है। तो फिर क्यों ये सब क्यों? अब इस क्यों के जवाब में मैं तुम्हें हजारों कारण बता सकता हूं, जो सही भी होंगे लेकिन नहीं भी, क्योंकि हर जवाब में एक और क्यों जुड़ा होगा। तुम मसूरी से आए हो? जी, और अब मुझे वापस चलना चाहिए। सच में मुझे चलना चाहिए। अरे बैठो बैठो, आज रात तुम मसूरी तो पहुंच नहीं पाओगे, और यहाँ से नदी तक के रास्ते में रात गुजारने की कोई जगह भी नहीं है। रात भर कहाँ भटकोगे? आज रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही यहाँ रहने में? नहीं, तकलीफ तो नहीं है, और यहाँ पे इससे ज्यादा आराम और मिलेगा भी क्या। मेरे पास कुछ कंबल और खाल पड़े हैं, तुम उसे ले सकते हो, क्योंकि रात को बहुत ठंड पड़ेगी और आज रात तुम यहीं गुजार सकते हो। नहीं जी, मैं ना चलता ही हूँ बहुत। अरे रुको, देखो यहाँ से लेकर नदी तक रात गुजारने की कोई और जगह है नहीं, रात भर कहाँ भटकोगे, यहीं रुक जाओ। सुशीला की यादों को डुबाने के लिए शायद मैं जंगल की लड़कियों के पीछे भाग रहा हूँ। वो प्यारे मोहन वाली सीता, और दूसरी तो सिर्फ एक आवाज। सुंदर का ध्यान सुंदरता से भी सुंदर होता है, अनंत सुख का सागर। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी जगह यहाँ कोई और साथी होता तो इस जगह की तन्हाई भी कितनी रोमांचक हो जाती। पर देखो, वो सब मैं कर चुका हूँ, मुझे देख के लगता नहीं? मेरे कादिर पर मत जाओ। मैं ब्रह्मचारी नहीं था, बल्कि बचपन से ही औरतों के संग मेरे शारीरिक संबंध रहे हैं, और जवानी में तो मुझे इससे फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। सबसे बड़े शिकारी ही जानवरों के सबसे बड़े रक्षक बनते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है तुमने। शिकार और शिकारी का रिश्ता बहुत ही गहरा और प्रेमपूर्ण होता है। जी, थैंक यू। लेकिन अब मैं सच में निकलता हूँ। अरे बैठो, मैं आग जला देता हूँ ताकि जानवर ना आए। कई बार रात को मेरे पास यहाँ पैंथर और रीछ आ जाते हैं। सर, आर्म्स कंसाइनमेंट आ गया संतराम? जी सर, यस सर। 300 राउंड सर, 10 राइफल, 4 पिस्टल और 2 बक्से गोला बारूद सर। हर तरह से सावधानी बरतना आता है कि नहीं? मेक एन इन्वेंट्री लिस्ट। इंस्पेक्टर लाल कहाँ है? सर, इंस्पेक्टर लाल सर बारलोगंज थाने गए हैं सर। आओ, अंदर आओ। यार गोविंद, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे भाई, पकाते हैं, तुझे भी पका देंगे। चल जा, तुझे बुलाया, चल निकल ले।
बीते दिन। ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य ही है, जिसको भी चाह उसे हासिल कर लिया, और मेरी प्यास बुझती नहीं बढ़ती चली गई। शायद इसमें कुछ कुछ मूल्या का भी हाथ था। मेरे पैदा होने पर मेरी देखभाल के लिए रखी गई थी और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। जिस वर्ष मैं पैदा हुआ दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मेरी माँ मेरी देखभाल नहीं कर पाती थी, बहुत सारे नौकर चाकर होने के बावजूद। लेकिन कहीं दूर एक बेचारी औरत मेरे लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रही थी। मुलिया ने मुझे बताया था कि उसके पति के मरने के बाद गांव वालों ने उसे डायन कहकर गांव से निकाल दिया, उसका घर भी जला दिया, और वो चली आई सिर्फ अपने तानपुरे को साथ लेकर। नए लोगों के रहने का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ सर, हो गया सर। कुछ का बैरिक्स में किया है सर, और कुछ का टेंट में, और सर उनको अभी नाश्ता दिया जा रहा है सर। यहाँ के क्रिमिनल केसेस की फाइल लेकर आइए, देखे तो सही आप लोग काम कैसे करते हैं, व्हाट ऑल प्रोसीजर्स यू फॉलो। हाँ जी सर, लेके आओ। ये फोटो फ्रेम्स उस दीवार पे लगाइए, और ये जो क्रिमिनोलॉजी की किताबें हैं उनको सामने फ्रेम पे लगाइए। ये वाली सर। गोविंद सिंह। यस सर। हथौड़ी और कील लेकर आओ, ये फ्रेम लगाने। काफी अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं कि मतलब? जी सर, ये लाल साहब का है सर, वो क्रिमिनोलॉजी वाला प्रोसीजर था सर, और लाल साहब सर इसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन लिस्ट कहते हैं सर। अच्छा जी सर। ये किताबें सामने लगाई है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। और वो हमारी जिंदगी में आ गई। मुलिया तो यही ठहर, बाजा रख दे, मैं तुझे अभी बुलवाती हूँ। नो 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 नो।
राम राम माता जी। राम राम बिजली, राम राम। आ गई तुम? जी माता जी। अच्छा, ये सब्जी? बिजली, ये सब्जियां तू बाद में देना, देख मन कितना रो रहा है। तूने दाई का पता किया या नहीं? जी माता जी, समझिए आपके लिए आई है बड़ी दूर से, अपने मनमोहन लल्ला के लिए। अच्छा, बुला जाना। मूलिया इधर आना, तो आ जा यहाँ सामने आ। माता जी ये मूलिया है, बैठो माता जी के। प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम है तेरा? जी मूलिया। गुलिया? नहीं नहीं, मेरा नाम मूलिया है। मूलिया, अच्छा 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 अच्छा। मूलिया पहले कभी बच्चों को संभाला है? जी हाँ। अच्छा ठीक है, लाइए, मुझे मुझे दीजिए। ध्यान से देखना, हाँ प्यार से रखना।